मैंने इस वाली वीडियो में ना नेगेटिव पेयर वाले का नाम लिया तो पूरी वीडियो में हिंट मिल जाएगा, तो मैं नाम प्रॉपर दे रखा है, ढंग से सुनना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिस यादव और फुकरा इंसान की, जिनके के इंस्टाग्राम से काफी ज्यादा मात्रा में फॉलोअर्स कम होने लग गए हैं। और इन दोनों के फॉलोअर्स इतनी ज्यादा कम होने का कारण ये माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच में फेक पीआर या जो फेक कंट्रोवर्सी चल रही है उसी के कारण लोग इन्हें अनफॉलो करते हुए जा रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट में भी जरूर बताइएगा। आप इनके अनफॉलोअर्स का ग्राफ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में लोग इन्हें अनफॉलो कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अंकित भवानपुरिया की, क्योंकि कल अंकित भवानपुरिया का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ घंटों के लिए बैन हो गया था। और इसके बाद जब उनका अकाउंट वापस चला तो उन्हें एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर उन्होंने अकाउंट बैन करने वाले को रिप्लाई देते हुए ये कहा, राम राम भाई सारा ने, तो भाई आधे घंटे पहले इंस्टाग्राम उठ गया था अपना, तो भाई जिसने भी हरकत करी थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली बात करते हैं लव कटारिया की। लव कटारिया ने कल अपने चैनल के ऊपर एक Q&A वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उसने सभी कमेंट्स का जवाब दिया। अफसोस हम आपको सभी कमेंट तो नहीं दिखा सकते, पर एक दो इम्पोर्टेंट कमेंट है जो आपको जरूर बताएंगे। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कमेंट यही था कि एलविस यादव के नाम पर फेक पीआर कौन चला रहा है, उसका नाम क्या है। तो इस पर लव कटारिया ने ये जवाब दिया, नाम ले लो नेगेटिव पीआर वाले का, चलो मैं है ना इस वीडियो में मैंने नाम लेऊंगा, वीडियो एंड करने से पहले नाम ले लूंगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें वीडियो सुननी पड़ेगी पूरी धीरे धीरे, क्या पता नाम ले भी दिया हो, तो बैक करके सुनो। और क्लियर नाम ले रखा, क्लियर नेगेटिव पीआर वाला कौन है। तो बेसिकली गाइज कटारिया ने वीडियो के अंदर किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कटारिया ने वीडियो के बीच में कुछ ऐसा बोला जिसे देखकर लोगों को ये लग रहा है कि कटारिया ने अभिषेक का इनडायरेक्टली नाम लिया है। आप भी उस क्लिप को देख लीजिए। आपकी क्या अबे भाई बंदों ने, वो तो अच्छा मैं बोल नहीं रहा इस पे ना कैमरे वरना क्वेश्चन तो क्या ही क्या पूछ रखे, गंदे बंदे भी पूछ रखे हैं भाई। तो गाइज अब बात करते हैं अभिषेक मलान की, क्योंकि कल उन्होंने एक फेक पीआर कमेंट का रिप्लाई देते हुए ये कहा कि मेरा इस फेक पीआर से कुछ लेना देना नहीं है, आप इसे जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए। और बाकी आप उनका ये ट्वीट देख सकते हैं। इसके बाद अभिषेक मलान के एक फैन ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि ब्रो आप अपनी लाइफ के अंदर चिल करें। तो इसके बाद अभिषेक ने भी यही जवाब दिया कि मैं आपसे खुश रहूंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो गाइज इन सब फेक पीआर के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।